10,000 करोड़ का फायदा उद्योगपतियों का होता है, किसानों का कोई फायदा नहीं होता। तो ये जो सरकार है जो उद्योगपतियों के लिए चल रही है, जो आपकी मांगों को नकारती जा रही है, चाहे आप नौजवान हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप शिक्षा मित्र हो, सरकारी अधिकारी हो, तो ये ऐसी सरकार है जिसके हित में आप नहीं है। उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, इन्होंने बेझिझक 550,000 करोड़ रुपए गिने चुने उद्योगपतियों के माफ कर दिए इन्होंने। आप सोचिए, गिने चुने उद्योगपति हैं, सबके पास पहले से ही हजारों करोड़ों रुपए हैं, उनके कर्ज माफ करने के लिए सरकार के पास 550,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ करने के लिए कोई पैसे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये ऐलान किया कि हम एक ऐसी योजना निकालेंगे अगर केंद्र की सरकार में आएंगे जिसके द्वारा हर गरीब परिवार को सरकार 72,000 रुपए सालाना देगी, तब भाजपा वालों ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? जिन्होंने उद्योगपतियों को 550,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए, उन्होंने कहा कि इस देश में इस योजना के लिए पैसे नहीं है। तो आप सोचिए, जो उद्योगपतियों के लिए पैसे हैं, गरीबों के लिए पैसे नहीं है। जिसकी ये विचारधारा है, जिसकी ये सोच है, वो आपको कैसे आगे बढ़ाएंगे? कांग्रेस की योजना मनरेगा के द्वारा आपको गांव गांव में रोजगार मिला, 100 दिन का रोजगार आपका अधिकार बना। पिछले 5 सालों से इस सरकार ने मनरेगा को दुर्बल बनाया। आज मनरेगा के मजदूर को 6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते। आज जो मजदूरी से काम किए जाने चाहिए वो जेसीबी द्वारा, ठेकेदारों द्वारा किए जाते हैं। मनरेगा को इन्होंने दुर्बल इसलिए बनाया है क्योंकि ये जानते हैं कि मनरेगा एक कांग्रेस की योजना थी, और जब गांव में इससे फायदा होता है तो लोग समझते हैं कि कांग्रेस ने ये फायदा किया। उसमें भी ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ राजनीति के बारे में सोच रहे हैं। आप बुंदेलखंड को ही लीजिए, कांग्रेस सरकारों ने 5,000 करोड़ का पैकेज दिया यहाँ के लिए, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। उस पैकेज में से जो जो काम करने थे इन्होंने, एक भी काम ठीक ढंग से नहीं किया और पूरा नहीं किया। पैकेज कांग्रेस की सरकार ने दिया, 5 सालों से उसका कुछ नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि ऐसी राजनीति को आपको बढ़ाना चाहिए कि नहीं। लोकतंत्र है, शक्ति आपकी है। अगर नेता भूल जाता है कि उसको मंच पे बिठाने वाला कौन है, कि उसको शक्ति देने वाला कौन है, तो कौन याद दिलाएगा उसको? बताइए, कौन याद दिलाएगा? कौन याद दिलाएगा? आप याद दिलाएंगे, आप याद दिलाएंगे, क्योंकि शक्ति आपकी है। भूलिए मत इस शक्ति को, एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज इस देश में जो सरकार चल रही है वो आपके खिलाफ नीतियां चला रही है। वो ना किसानों को देख रही है, ना गरीबों को देख रही है, ना नौजवानों को देख रही है, ना महिलाओं को देख रही है। वो सिर्फ सत्ता को देख रही है, और इस सत्ता के नाम पर चुनाव के दौरान भी आपके सामने आकर कैसे कैसे प्रचार कर रहे हैं। आप उनके भाषण सुनते होंगे, मैं सुनती हूँ कभी कभी। तो भाषण में ज्यादातर या तो किसी की आलोचना हो रही है, या ये कहा जा रहा है कि 60 सालों से 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, या ये कहा जा रहा है कि उनकी पाकिस्तान की बात हो रही है, दूसरे देशों की बात हो रही है, या फिर शहीदों की बात हो रही है। घूमते ही नहीं हो। लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया, 5 साल
पहले जो आपने हमारे सामने जनता के सामने जो वचन किए उनका क्या हुआ, आप आगे क्या करने जा रहे हैं, इनकी बात नहीं होती, इनकी बात इनके भाषणों में नहीं होती। सिर्फ यही कहा जाता है कि किस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहानेबाजी होती है पूरी तरह से। ये कभी नहीं बताया जाता कि 5 सालों में आपकी उपलब्धियां क्या है। शहीद का सब आदर करते हैं, बुंदेलखंड शहीदों की धरती है, बुंदेलखंड का एक भी ऐसा वासी नहीं है जो उन शहीदों का आदर नहीं करता। इस देश में जितने भी निवासी हैं, हम सब देशभक्त हैं, हम सब देश की भलाई चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। लेकिन चुनाव में हम सब कहते हैं कि चुनाव में विकास की बात करो, चुनाव में उन मुद्दों की बात करो जिससे जनता का मतलब है, जिससे जनता का विकास हो। आप बताइए, चुनाव में आते हैं तो बताइए रोजगार कैसे दिलवाएंगे नौजवानों को, किसानों को आगे कैसे बढ़ाएंगे, कर्ज में डूब रहे हैं उनकी मदद कैसे करेंगे, महिलाओं को सुरक्षित कैसे करेंगे, ये मुद्दे हैं। बच्चों की शिक्षा कैसे होगी। अब आप कांग्रेस के नेताओं को देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़िए, और मैं ये कहती हूँ कि जन जन को पढ़ना चाहिए। ये घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा के लिए नहीं है, घोषणा पत्र इसलिए बनाया जाता है कि जनता को अवगत करे कि हम क्या करने वाले हैं आपके लिए। तो आप जागरूक बने, आप मजबूत बने, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये समझें कि जो नेता, जो पार्टी आपके सामने चुनाव में आती है वो आपको क्या कहने जा रही है, आपके लिए क्या करने जा रही है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये योजना न्याय, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, जिसके द्वारा हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए हर साल मिलेंगे। दूसरी चीज कि सरकारी अस्पतालों में शिक्षा की जांच और इलाज मुफ्त में मिलेगा, स्वास्थ्य का जांच सॉरी। सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा मुफ्त मिलेगी 12वीं कक्षा तक। नौजवान जब अपना बिजनेस शुरू करना चाहेगा 3 सालों के लिए उसको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर उसके बिजनेस के द्वारा ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो जितने लोगों को रोजगार मिलेगा उतनी कम टैक्स उस नौजवान पे लगेंगे। किसानों के लिए कांग्रेस ने घोषणा की है कि एक अलग बजट बनेगा, जिस तरह से रेलवे का बजट बनता है उस तरह से किसानों का बजट बनेगा। इसमें हर साल जो किसानों के लिए पार्टी करने जा रही है, सरकार करने जा रही है, उसकी घोषणा हर साल होगी, और हर साल जो पैसे किसानों के लिए, उनकी योजनाएं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए दिए जाएंगे, उनका आपको पूरी तरह से पता चला जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से वो पैसे खर्चे जाएंगे। तो ये सब हमारे घोषणा पत्र में है, और इसके अलावा आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत ऐसी योजनाएं हैं। ये भी हमने कहा है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो मनरेगा को 100 दिन से 150 दिन तक बढ़ाएंगे, मनरेगा को और भी मजबूत बनाएंगे। तो आज इस भूमि में खड़े होकर, स्वामी जी की भूमि में, जहां से मुझे प्रीतम जी बता रहे थे अभी कि स्वामी जी ने सिर्फ सेवा की भावना से आपके लिए काम किया, कभी किसी से पैसे नहीं लिए, हमेशा इस भावना से काम किया कि नौजवान आगे बढ़े, शिक्षा मिले सबको, कृषि पे भी, कृषि की भी शिक्षा मिले, ताकि आप आगे बढ़े, आपके क्षेत्र का विकास हो। इस भूमि पर खड़े होकर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसी सरकार चुनिए, एक ऐसे नेता को चुनिए जिसके दिल में आपके प्रति सेवा की भावना और समर्पण की भावना हो, जो आपके बीच आए, आपके साथ घुले मिले, आपसे पूछे कि आपकी समस्याएं क्या हैं। एक ऐसे नेता को नहीं
जिन्हें आप टीवी पे अभिनेताओं के साथ बैठे हुए देखें, जो उनसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके पास आधा धक्का नहीं है कि किसान से पूछे कि आपकी क्या समस्याएं हैं, कि किसान के साथ बैठे, कि किसान उससे सवाल पूछे, उनसे सवाल पूछे कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। आप ऐसी सरकार चुनिए, आप ऐसे नेता को चुनिए जो आपका हमदर्द हो, जो ये समझे कि इस देश की शक्ति इस देश का नौजवान है, इस देश का किसान है, इस देश की महिला है। इस देश की शक्ति को बढ़ाने में ही ये देश मजबूत बनेगा। एक ऐसा नेता चुनिए कि जब आपकी आवाज उठे तो आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करने के बजाय आपकी आवाज को सुने, आपकी आवाज का आदर करे और ये समझे कि आपकी आवाज को सुनने में ही उसकी भलाई है। ऐसे नेता आपको तमाम कांग्रेस पार्टी में मिलेंगे। मेरे भाई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जहां जाते हैं लोगों से मिलते हैं, लोगों की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से उन बातों को समझ के, उन समस्याओं को समझ के उनको सुलझाने के लिए ऐसे कार्यक्रम लागू करवाएं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई कुछ महीनों पहले। सरकार के आने के कुछ ही दिनों बाद किसानों के कर्ज माफ होने लगे। ऐसे नेता को चुनिए और ऐसी राजनीति को चुनिए जो ऐसी योजनाएं लाए जो आपके हित में काम करे। प्रीतम जी ने किसानों के लिए बहुत काम किया, उनके साथ संघर्ष किया, वो आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए मजबूती से लगे रहेंगे। और उन्होंने पहले कहा कि आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। मैं इनके साथ खड़ी हूँ, मैं जानती हूँ कि आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे और मैं तोड़ने भी नहीं दूंगी। तो 6 तारीख को आपका चुनाव है, अच्छा आपको नेतृत्व है, 29 तारीख को आपका चुनाव है। याद रखिए, 29 तारीख को जब आप वोट करने जाएंगे तो जो मेरी बातें हैं उनको मन में रखिए, उनके बारे में सोचिए और ये सोचिए कि अपने लोकतंत्र को, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए आप ऐसी राजनीति चुनिए जो आपको आगे बढ़ाए, जो देश को सुरक्षित रहे, जो संविधान को सुरक्षित रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धूप है, आप अभी भी बातें को सुन रहे हैं, तुम साथ बैठ के सुन रहे हैं, अनुशासन बोल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।